कालका की चुनावी जंग तेज हो रही है। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामबिलास शर्मा ने कालका में दस्तक दी। अब तीन दिन तक इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कालका के 36 गांवों में जनसंपर्क कर सियासी हलचल तेज कर दी है। फरवरी महीने में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद यह सीट खाली है। प्रदीप चौधरी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। भाजपा से लतिका शर्मा प्रबल दावेदार है तो प्रोफेसर रामबिलास शर्मा का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कालका में ब्राह्मण समुदाय के करीब 32,000 मतदाता हैं। प्रोफेसर रामबिलास शर्मा 5 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रहे हैं। वे चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल और मनोहर सरकार में मंत्री भी रहे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वे 2019 का चुनाव कांग्रेस के रामदान सिंह से हार गए थे। उस समय बादली से ओम प्रकाश चौटाला और नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को भी हार मिली थी। धनखड़ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनकर एडजस्ट हो चुके हैं, जबकि शर्मा कालका के चुनावी दंगल के जरिए सियासी वापसी की राह तलाश रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा के अलावा सुषमा स्वराज की बेटी का नाम सामने आ रहा है। सुषमा स्वराज स्वयं देवीलाल सरकार में मंत्री रह चुकी है। वे हरियाणा करनाल से कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। कालका में अभय और प्रोफेसर शर्मा की दस्तक के बाद सियासी हलचल तेज है। शर्मा के यहाँ शिवरात्रि पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कई राजनेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। दरअसल शिवालिक और हिमालय की वादियों से सटा है कालका। हरियाणा के पहले छोर पर पड़ने वाला यह इलाका आज सियासी रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। कालका सीट पंचकुला जिला का हिस्सा है और अंबाला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां साल 1967 से लेकर 2019 तक 13 सामान्य बल्कि एक उपचुनाव हुआ है। यहां से चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। 1,79,056 मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र का मिजाज अनूठा है। यहाँ पर कुल 213 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2 बार आजाद विधायक बने तो 3 बार लोकदल और इनेलो के उम्मीदवारों को जीत मिली है। एक बार यहाँ पर कमल खिला है। कालका में जातीय समीकरण भी अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण और गुज्जर समुदाय के वोटों की संख्या अधिक है। अब तक के चुनावी अतीत से साफ जाहिर होता है कि कालका सीट पर अब तक कांग्रेस हावी रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर महज 1 बार जीत दर्ज कर पाई है। कांग्रेस की ओर से इस बार फिर से मोहन बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। वे 4 मरतबा यहां से विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर भाजपा से प्रोफेसर रामबिलास शर्मा पर पार्टी भाग्य आजमाती है और कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिलती है तो यह हॉट सीट बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।